नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 327 के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा यूरियन मेटर मेरिडियन का 56 यानी कि 56 नंबर पॉइंट। दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जैसे हमारा टंग वाला एरिया होता है ये, और ये हमारा घुटने वाला एरिया है। ठीक है, अब ये बैक साइड है हमारा, बैक पोर्शन है। ठीक है, यांग साइड, यांग साइड यानी कि बैक साइड। ठीक है, बैक साइड। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमने बताया था यूबी 40 से 2 कुंड की दूरी पर ये आपका पॉइंट था, यहाँ पे यूबी 55। ठीक है, यूबी 55। अब इसे दोस्तों 4 से 5 कुंड की दूरी पर, 4 से 5 कुंड की दूरी पर ये हमारा पॉइंट बनता है यूबी 56। ठीक है, इसे 4 से 5 कुंड की दूरी पर यूबी 56 ये हमारा पॉइंट बनता है, यहाँ यूबी 56 4 से 5 कुंड की दूरी पर। ठीक है, अभी दोस्तों हो गया पॉइंट आपकी लोकेशन आ गई। पीछे वाला जो एरिया काफ मसल्स वाला, पिंडरी वाला जो एरिया होता है, पिंडरी वाला वो एरिया है आपका ये। ठीक है, काफ मसल वाला, ये काफ मसल पे बैठता है पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं इसे ठीक होती है वो जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है दोस्तों, अगर आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम है, क्रैम्प आती है अगर आपको, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, नंबर 2, अगर आपको किसी को भी ब्लडी पाइल्स हो, ब्लडी पाइल्स में बहुत ज्यादा आपकी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, नंबर 3, अगर किसी को शैटिका की प्रॉब्लम हो, शैटिका में दोस्तों आपकी हेल्प करेगा। क्रैम्प क्या होता है, क्रैम्प कई बार हमारी कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है, कई बार हमारा जो क्या कहते हैं सॉल्ट जो होता है, मैं नाम भूल गया उसको, क्या कहते हैं मतलब नमक की जो कमी होती है उसकी वजह से होता है, सोडियम की कमी से भी कई बार क्रैम्प हमारा आ जाता है, और न्यूट्रिशन की शरीर में हमारी कमी हो उससे भी आ जाता है। मतलब मल्टीपल रीजन है, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, तो जो भी रीजन हो ये जो है यूटिलाइज करेगा उस प्रॉब्लम को, और 56 पॉइंट आपकी क्रैम्प को ठीक करेगा। नंबर 2, ब्लडी पाइल्स, अगर किसी को ब्लडी पाइल्स हो गई है तो उसमें भी आपके दोस्तों हेल्प करेगा। नंबर 3, शैटिका, शैटिका यानी कि हमारी ब्रेन से जो नर्व जो चलती है, हमारे लोअर L5-S1 से डिवाइड होके हमारे पैरों की तरफ जो नर्व जाती है उसे शैटिका नर्व बोलते हैं। अगर उसमें कहीं भी कंजेशन है, कहीं ब्लड है, नमनेस है, क्रैम्प वगैरह है, ऐसा कुछ भी है, शैटिका नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें दोस्तों आपकी ये हेल्प करेगा। कौन सा पॉइंट, यूबी 56। ठीक है, ये हो गए दोस्तों इसका पॉइंट, लोकेशन ही हो गए बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको। तो इसमें ट्रीटमेंट आपको दोस्तों इसको मेजर करना है पॉइंट को, इसको मेजर करके फिर आपको उल्टा लिटाना है, मतलब पेशेंट को उल्टा लिटाओगे मेजर करके, फिर उस पॉइंट को आप दबाओगे, आधा से एक मिनट के लिए दबाना है, चाहे इस रबर जिम्मी से दबाओ या हाथ के अंगूठे से दबाओ, जैसा आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। हाथ के अंगूठे से भी दबा सकते हैं, रबर जिम्मी से दबा सकते हैं, आधा से एक मिनट के लिए दबाना है। ठीक है, इस तरह से ट्रीटमेंट करना है, जितना पेशेंट ये सामने वाला बर्दाश्त कर पाए उतने प्रेशर से दबाना है। ठीक है, और इसको फिर आप पूरे दिन में ये लगा लो, एक बार भी दबा सकते हैं और हर एक घंटे में, 2 घंटे में रिपीट भी कर सकते हैं, आपकी कंडीशन के अनुसार है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले पॉइंट के लोकेशन को मेजर करना, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सारे दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आपके अपने रूटीन को सुधारना है, अपना उठने का टाइम, फ्रेश होने का, नाश्ते का, खाने पीने का, पूरे दिन के पानी का, ये सारा आपको ध्यान रखना है। और जैसे अब गर्मी आ गई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स लेने हैं, मिनरल्स यानी कि जैसे जितना भी हमारा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खीरा वगैरह है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तरबूज खरबूज है, ऐसी चीजें लेनी है, सैलेड वगैरह, ये सब आपको बढ़ाने हैं। और जो सॉलिड फूड है उनकी मात्रा थोड़ी कम करनी है, रस वाली चीजें ज्यादा लेनी है अपनी कंडीशन के अनुसार। किसी को खट्टा अगर नहीं पसंद है या नहीं पचता तो खट्टा ना ले, मीठा वाला ले ले, जिसमें शुगर है वो चीज वो इनको ना करे, वो सैलेड वगैरह ज्यादा रखें। और फ्रूट में जो है, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है तो वो रस ना लेके फल ले सकता है, फल से उसका इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, जूस से शुगर थोड़ा सा जल्दी बढ़ता है। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है, किसी को जूस से भी शुगर नहीं बढ़ती हो तो एक अलग टेंडेंसी है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो आप अपना रूटीन सुधारिए, खाना पीना सुधारिए, हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।